हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। तोरण पट्टी के लिए बहुत ही सुंदर डिजाइन और बहुत आसान है बनाने में। तो ये किस तरह से बनेगा, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो चेन से स्टार्टिंग करेंगे और हमें सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए हम 18 चेन ले लेंगे। अठारह चेन हो गई। स्टार्टिंग वाले में जोड़ लेना है स्लिप स्टिच से और अब तीन चेन लेंगे और जो ये सर्कल है इसमें हमें डबल क्रोशे बनाने हैं पूरे सर्कल में। ये हम काउंट करके बनाएंगे, जितने इस वाले पहले में बनेंगे उतने ही नेक्स्ट जितने भी बनाएंगे सब में बनाने हैं काउंट करके। इससे डिजाइन बराबर आएगा और अच्छा बनेगा। तो काउंट करके बना लेंगे। अभी पहले वाले में पूरा भर जाना चाहिए, इतने डबल क्रोशे बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हमें काउंट करके ही बनाने हैं जितने इसमें बनेंगे। तो इस तरह से पूरे सर्कल पर डबल क्रोशे इस तरह गहरे गहरे बना लेने हैं। तो ये देखें, इस वाले सर्कल में टोटल मैंने 30 डबल क्रोशिए बनाए हैं और अब इसे मैं यहाँ पर जोड़ लूंगी लास्ट जो तीसरे नंबर की चेन होती है उसमें डाल के। तीन चेन लेंगे, 1 2 3 और एक नेक्स्ट डबल क्रोशिए में बना लेंगे, फिर एक चेन लेंगे नेक्स्ट डबल क्रोशिए में। इस तरह से ऊपर एक चेन लेनी है, नीचे हमें कंटिन्यू बनाते जाना है, छोड़ना नहीं है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड बना लूंगी मैं पूरा, फिर एक चेन डबल क्रोशिए में, एक चेन डबल क्रोशिया। तो इस तरह से नीचे हमें डबल क्रोशिया नहीं छोड़ना है, नीचे सेम बनाते जाएंगे और ऊपर वाली साइड जो है यहां पर हमें एक चेन लेनी है। तो ये देखिए सर्कल कंप्लीट हो गया है, यहां पर जोड़ लेना है स्लिप स्टिच से। सेट कर लेंगे, जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, इसे काट भी सकते हैं अच्छे से या फिर इस तरह से थोड़ा इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अभी हम दूसरा कलर चेंज करेंगे इसमें, मैं ये वाला कलर लगाने वाली हूँ। तो इसमें भी मैं 18 चेन लूंगी। अठारह चेन हो गई। अब इसको हमें इसके बीच में डाल के बांधना है इस तरह से और बीच में ही हमें बनाना है। तीन चेन लेंगे
और डबल क्रोशिया जो हमने पहले में काउंट करके बनाए सेम ऐसे ही काउंट करके बनाएंगे, 30 बनाए इसमें तो 30 ही बना लेंगे। और दो राउंड बनाए हैं तो दो राउंड ही बनाने हैं। इस तरह से काउंट करके 30 डबल क्रोशिया मैं इस वाले सर्कल में बना लूंगी जो इसमें डालना है। तो ये देखिए ये दो कलर मैंने लगाए हैं, नेक्स्ट कलर में ये वाला लाइट कलर लगाऊंगी और इसी तरह से मैं 9 कलर लगाऊंगी। यहाँ पर 9 बॉक्स ये बनेंगे हमारे सर्कल के। तो ये देखिए इस तरह से ये दो मैंने बनाए हैं सर्कल और अब नेक्स्ट इसी में डलेगा एक और, नेक्स्ट में लाइट कलर लगाऊंगी ये वाला। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वापिस 18 चेन लेनी है। और जो ये वाला है इसमें डाल लेंगे। पहली चेन पे डाल के जोड़ लेना है। और फिर 30 डबल क्रोशिया काउंट करके बनाए हैं, उसके बाद ये वाला सर्कल बन जाएगा तो इसी में एक और डाल लेंगे। इस तरह एक सर्कल के बीच में दो डल जाएंगे और ये मैं 30 डबल क्रोशिया बना लूंगी। सेम इसी तरह से मैं 9 सर्कल बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 3 हो गए हैं। ये जैसे इस एक सर्कल में दोनों साइड में डला है, इसी तरह से इस वाले सर्कल में एक साइड में हो गया, दूसरे में डलेगा। नेक्स्ट कलर मैं लगाऊंगी क्रीम कलर, तो ये इसमें डल जाएगा। फिर क्रीम कलर में उसमें भी सर्कल में दो डलेंगे। इस तरह से ये एक सर्कल में दो, दोनों साइड में डलेंगे दो सर्कल। तो इसी तरह से मैं ये 9 कलर लगा लूंगी। इसमें टोटल 3 तो हो गए और 6 कलर और लगा लूंगी, यानी 6 सर्कल और बना लूंगी मैं। सेम ऐसे ही डालती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। तो ये देखिए डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से जितनी लेंथ में आपको टोन पट्टी चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान डिजाइन है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।